हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हॉर्सकास के डियर पार्क में गया था और हॉर्सकास के डियर पार्क से निकलते ही आपको मैं ये गली दिखाई देगी जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और इस गली में आपको सिर्फ और सिर्फ कैफेज एंड क्लब दिखाई देंगे। तो ये दिल्ली का बेस्ट क्लबिंग एरिया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। काफ़ी इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा और क्लब एरिया हैं, तो ये उनमें से एक है। तो मैं आपको आज ये दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आपको कैसा क्राउड देखने को मिलेगा, प्लस कैसा रहता है, क्या क्या रहता है। अगर हो पाया तो मैं किसी क्लब में भी जाके आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यही है वो गली हॉर्सकास की क्लबिंग एरिया, और यहाँ से आप घुसते ही, जैसे ही घुसेंगे पहले से ही यहाँ से आपको कैफ़े, पहला आपको कैफ़े देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ कैफ़े या फिर क्लब ही देखने को मिलेगा, और प्लस लॉन्च देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। और मैं आपको पूरा एंड तक लेके जाके दिखाऊंगा कितने क्लब्स हैं, कितने मतलब यहाँ पे कैफेज हैं। सो यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी शॉप्स भी हैं जो कि काफ़ी यू नो अट्रैक्टिव हैं। वहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का शॉप है, तो यहाँ पे गाइस कुछ छोटी छोटी शॉप्स भी हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, एंड उसमें लाइक कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज मिलती है, जैसे कि ये शॉप देख सकते हैं आप। और ये तो फूड के लिए हैं, अगर आपको भूख लगे तो आप यहाँ आ सकते हैं। रेड फोर्ट भी, तो गाइज उन भैया ने बोला है कि रेड फोर्ट भी ले लेना, क्योंकि वो भी एक डांस क्लब है, बार भी है उसके अंदर। और यहाँ पे आपको क्लब ही क्लब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्लब रोड है, पूरा क्लब रोड है। आपको आवाज़ आ रही होगी डिस्को की, अंदर तो काफ़ी लाउड होता है, हमें बाहर तक भी सुनाई दे रहा है। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा जब उन भैया ने बोला कि भैया हाँ रेड टेप ले लिया, रेड फ्रॉक उन्होंने भी बोला, आप भी बोल रहे हो क्या ऐसा रेड फ्रॉक में। गर्ल्स के लिए प्रीडिंग चाहिए, लड़कों के लिए वो कूपन लगते हैं, कवर चाह लगता है 1000 पर पर्सन। अच्छा, लड़कियों के लिए फ्री रहता है, इसकी वो का शॉप में अनलिमिटेड रहता है। अच्छा, और हम स्टैग एंट्री होती है लड़कों के लिए, स्टैग के कवर चार्ज होते हैं, कूपन लगते हैं, कवर चार्ज होते हैं, 1000 पर पर्सन होता है। अच्छा, कूपन मिलेगा। अच्छा, मतलब 1000 का जो कूपन हम बनाएंगे अंदर जाके हम कुछ भी खा सकते हैं। और अंदर के वो कैसे रहता है, क्या कहते हैं हम, क्राउड चल के देखें एक बार। चलो गाइस अब हम रेड फ्रॉक में जा रहे हैं आपको अंदर का क्राउड दिखाने। तो गाइस ये सारे यहाँ पे क्लब्स हैं, बाकी हम रेड फ्रॉक में जाएंगे। गाइज अभी आपने देखा द रेड फ्रॉग जो कि क्लब और लॉन्च था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में और काफ़ी बढ़िया था, अंदर से बहुत सारे लोग भी थे, क्राउड भी अच्छा था। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे लॉन्च हैं एंड बहुत सारे कैफे हैं, और ऐसी ऐसी शॉप्स भी है जैसे मैंने आपको बताया था, छोटी मोटी बीच में जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, प्लस फूड स्टॉल्स भी हैं, आप खाने को भी खा सकते हैं बाहर से भी। बाकी अंदर बार क्लब में तो खाने को मिलता ही होगा। एंड हम और आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको और आगे क्या देखने को मिलेगा आपको।
और अंदर से और भी है, मतलब और भी बड़ा है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर पूरी ये जो गली जा रही है ये पूरी यहाँ पे क्लब्स ही क्लब्स है अंदर। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे फ्लोर पे, मतलब जितने भी फ्लोर होंगे हर फ्लोर पे आपको बार क्लब या कैफे देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि पूरा खाली पड़ा है। बेस्ट व्यू लेक, वो कैफ़े है गाइस वहाँ पे। और वहाँ से ना जो मैंने अपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको लेक दिखाया था, उस कैफ़े से उस लेक का काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो वहीं पे इसलिए लिखा हुआ है बेस्ट व्यू लेक। तो गाइस यहाँ पे जो ये गली है एंड हो जाती है, इसके आगे और नहीं है कुछ, मतलब ये एंड है यहाँ का। बाकी इधर भी कोई गली, एक बार मैं उधर जाके देखता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था शॉप छोटी मोटी दिख रही रहेंगी आपको, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक बार जाके देखता हूँ क्या देखने को मिलेगा। काफ़ी सही सा लग रहा है ये जगह और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। आप लोग भी आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी अब मुझे लग नहीं रहा इधर कुछ है, घर वर हैं लोगों के, तो हम अंदर नहीं जाते हैं, वापस चलते हैं। गाइस जैसा अभी हमने आपको दिखाया द रेड फ्रॉग, काफ़ी अच्छा था वो। और यहाँ पे एपिक रेस्टो बार भी आपको देखने को मिल रहा होगा, और वहाँ पे सोशल भी देखने को मिल रहा होगा। तो एक बार उधर जाके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इधर जो टैटू की शॉप्स हैं, नेल आर्ट की शॉप है, पियर्सिंग की भी शॉप है, यहाँ पे सब कुछ होता है। एंड कैफ़े तो इधर भी है, देख सकते हो जिप्सी कैफ़े जो कि ये है। एंड शॉप जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बाकी इस साइड, ये बैक साइड है जहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं, मेन आगे है। तो गाइज हमने अंदर पीछे की साइड घूम के ये पता लगाया कि हॉस्कास के पीछे आपको शॉप्स देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप कपड़े, आर्किटेक्चर का सामान, सीनरीज खरीद सकते हैं। एंड काफ़ी सुंदर सुंदर शॉप्स हैं, डैनिम क्लब फैक्ट्री का अपनी है कुछ, काफ़ी सही सा लग रहा है। वहाँ पे सैलून भी है, ब्लॉसम कॉचर पीछे है ये पूरा। मेन रोड, आप जब मेन रोड पे चल रहे होंगे तो आपको अंदर के लिए गली दिख रही होगी, वहीं पे आपको आना है शॉप्स वगैरह के लिए, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये है द हेवन बार एंड किचन। तो अब हम इसमें जाके देखते हैं अंदर से कैसा दिख सकता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो लाइटिंग्स तो काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो अब हम जल्दी से चलते हैं आगे और देखते हैं कि कैसा है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे भैया, तो फर्स्ट फ्लोर पे ये गाइस यही है।